चुनावी वर्ष में इस समय कुल 5 लोगों को भारत रत्न दिया गया है। पहले कर्पूरी ठाकुर, उसके बाद लालकृष्ण आडवाणी और अब तत्कालीन प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, पीवी नरसिम्हा राव और कृषि वैज्ञानिक एम.एस. स्वामीनाथन को दिया गया है। इस चुनावी वर्ष है, उसके बाद इस तरह से भारत रत्न दिया जा रहा है। इस पर लोग क्या सोचते हैं कि आखिर क्यों मतलब इतना जल्दी में ये सब किया जा रहा है, आइए हम उनके ही विचार जानते हैं। क्या नाम है भैया? राजेश नारायण दुबे। जो आज भारत रत्न दिया गया है इन लोगों को, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मोदी जी का हर काम अचानक से होता है और तत्काल होता है, तो इस मायने में तो मोदी जी अपनी परंपरा को कायम रखे, इसके लिए उनको बधाई का पात्र है। जो भी भारत रत्न हमारे देश में लोगों को दिया जाता है, आज तक उनको याद नहीं आया, अब वह अपना राजनीतिक लाभ देख रहे हैं। मैं राम मंदिर में नहीं जाना चाहता हूँ, हिंदू आस्था का केंद्र था राम मंदिर बना, लेकिन लाल किस अडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को देने के बाद उनको अचानक से याद आया रात के 12 बजे, भाइयों एवं बहनों, कि अब 3 लोगों को और मिलना चाहिए। उसी क्रम में उन्होंने चौधरी चरण सिंह को दिया, साउथ में कृषि वैज्ञानिक को दिया स्वामीनाथन जी को, फिर उधर पीवी नरसिम्हा राव जी को दिया। वह भूजे की तरह हर चीज़ बांटते हैं, बहुत उदार दिल के हैं प्रधानमंत्री मोदी जी, बहुत उदार दिल के हैं। कुछ राजनीति भी देख रहे हैं, राजनीतिक नहीं, निश्चित राजनीतिक लाभ ही है ना, कि हम चारों तरफ से बांटेंगे, इधर चौधरी चरण सिंह को दे दिए तो हमारा गठबंधन बन जाएगा, उनके बेटे को, उनकी पार्टी को लगेगा कि भाई हमारे पिताजी को, हमारी पार्टी के मुखिया को भारत रत्न मिला है, तो हम धीरे सा इधर घुस आए, इधर उनको मिल गया। साउथ में जहां वे देख रहे हैं कि हम कमज़ोर पड़ रहे हैं, तो उधर उन्होंने पीवी नरसिम्हा राव को देके अब कांग्रेस से लोगों को कुछ छटकाने का काम करेंगे। तो चारों तरफ से अपना चुनावी समीकरण देखते हैं, जहाँ जिस तरह की कमजोरी होती है उसको वह पूरा करते हैं और राजनैतिक लाभ, चुनावी लाभ उनको मिले, इसमें वह माहिर आदमी है। आज पूरे विश्व में मेरा ऐसा मानना है कि इन समीकरणों को जोड़ बनाने में माननीय मोदी जी से अच्छा कोई नहीं है, इसी वजह से दे रहे हैं। आपका कहना है राजनीतिक लाभ लेने के लिए किया जा रहा है? मैं मारुत पांडे एडवोकेट। क्या कहना चाहेंगे, आज 3 लोगों को फिर दिया गया, 2 लोगों को पहले दिया गया था भारत रत्न, आज 3 लोगों को दिया गया, इसका जी जैसा कि अभी हमारे बगल में हमारे बड़े भाई ने बताया कि ये चुनावी मुद्दा है और चुनावी मुद्दे को देखते हुए उन्होंने अपनी रणनीति को बना रखा है और वो बहुत ही माहिर खिलाड़ी हैं और चुनाव में वो अपनी व्यवस्था को और अपने सारी राजनीतिक गलियारे से जो भी चीज़ें उन निकल के आ रहे हैं उनको एक एक मुद्दे को सेट करते हुए इसके माध्यम से जा रहे हैं कि भारत रत्न दिया जाएगा तो उनका वोट बैंकिंग बढ़ेगा। क्या आपको लगता है जो आरएलडी से उन्होंने समझौता किया, मतलब करने जा रहे हैं जी, वो उसका भी एक सौदे? बिल्कुल 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 सही बात है कि कुछ ना कुछ देंगे तो कुछ ना कुछ पाएंगे, यही इनकी राजनीतिक मतलब जितने दिन से हम लोग देख रहे हैं इनकी राजनीतिक व्यवस्था को, उसमें जोड़ तोड़ की राजनीति में हमारी भारतीय जनता पार्टी बहुत आगे है और उसके मुखिया का तो कहने की कोई बात ही नहीं है। और मैं तो ये कहूँगा कि वो अपने लिए भी ले लें भारत रत्न, नहीं तो भविष्य में पता नहीं मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा, ये भी एक प्रश्नवाचक रहेगा हमारे लिए। खुद भी ले लें। हाँ, क्या नाम है आपका? क्या कहना चाहेंगे जो भारत रत्न आज दिया गया है, क्या देख रहे हैं इससे आप? जैसे सभी लोग बोल रहे हैं, ये शुद्ध रूप से चुनावी मुद्दा है इनके लिए कि कैसे किस तरह से हम अपने वोटरों को अपनी तरफ आकर्षित करें। वोटर भी छोड़ दीजिए, तो पार्टियां जो अपने बलबूते पे लड़ना चाह रही है उसको भी वो ख़त्म करने के चक्कर में ये सारी चीज़ें, ये सारी नीतियां अपना रहे हैं, पार्टियों को तोड़ना चाह रहे हैं, पार्टियों को तोड़ना चाहते हैं, क्षेत्रीय पार्टियों को ख़त्म करना चाहते हैं। अभी कुछ दिन पहले बिहार में किया है, कर्पूरी ठाकुर को दिया है तो देखो सरकार ने इस्तीफा दे के नया सरकार गठित किया है। इसी तरह से अब चौधरी चरण सिंह को दिया है, चौधरी चरण सिंह को जयंत चौधरी चले गए, ये तो 1 हफ्ते 10 दिन से बात चल रही है कि जयंत चौधरी जो हैं वो सपा बसपा में जा रहे हैं, सपा को या गठबंधन छोड़ रहे हैं इंडियन गठबंधन को। तो आज सबके सामने आ गया जब उन्होंने अनाउंस कर दिया कि उनके फादर को, चौधरी चरण सिंह को, भारत रत्न दिया है और एकदम खुले मन से बिना सोचे समझे दिए जा रहे हैं, कुछ भी कैसे भी कि किसी तरह से लोग मल्टी मतलब
उनके झांसे में आ जाए। चुनावी सौदा मान रही हैं? बिल्कुल बिल्कुल मान रहे हैं, चुनावी सौदा 100%। क्या इंडी गठबंधन जो था टूट जाएगा? अभी तक तो नहीं टूटा है, कुछ लोग वहाँ से भागे जरूर हैं, लेकिन अब आगे क्या समीकरण बन रहा है। आप राहुल गांधी की रैली देखिए, हजारों लाखों की भीड़ चल रही है उनके साथ, तो गठबंधन कहाँ टूटेगा। आप कांग्रेस के नेता भी इस नाते कह रहे हैं? इस नाते भी कह रहे हैं। क्या नाम है आपका? हरि कुमार द्विवेदी, मेरा नाम मेरा। क्या कहना चाहेंगे इस पर बादल गठन वाले पर? ये आपने अभी कहा है कि चुनाव सौदा, ये पूरी तरह से चुनाव सौदा ही है। मोदी का एक इसको अपने हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रहे हैं, आरएलडी को अपने पास लाना चाहते हैं, उधर साउथ में कांग्रेस को तोड़ने के लिए नरसिंह राव को दे दिए हैं और स्वामीनाथन को दे दिए हैं। ये सिर्फ और सिर्फ चुनावी सौदा है, इसके तो कुछ नहीं है, और ये बहुत ही गलत काम है। गलत संदेश जा रहा है, पब्लिक इसको स्वीकार नहीं कर रही है और हम खुद नहीं स्वीकार कर रहे हैं। दो लोगों को मिला ठीक था, लेकिन ये भूजे की तरह बांट रहे हैं, इसका महत्व भी खत्म कर दे रहे हैं। भारत रत्न का अपमान है, अपमान है, बहुत अपमान है, घोर अपमान है। एक साथ 10 लोगों को दे दें, 20 लोगों को दे दें, उनकी मरी चलेगी, जब चाहे उनको बांट दें, उनको अच्छा लग रहा है उनको दे दें, उनको अच्छा लग रहा है उनको दे दें, तो मजाक बना दें भारत रत्न का। और अपने आप को कहते हैं मैं राष्ट्रभक्त हूँ, राष्ट्रभक्त हूँ। भारत रत्न बहुत बड़ी चीज़ है और इसका इस्तेमाल वो ऐसे कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आम लोग इसको समझ नहीं पा रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही गलत काम कर रहे हैं और अपने आप को महान बना रहे हैं, राष्ट्रभक्त बना रहे हैं, और भारत के संपूर्ण सम्मान का अपमान कर रहे हैं। आपका कहना है कि भारत रत्न जो सर्वोच्च सम्मान है उसका अपमान है। क्या नाम है आपका? अरुण राजपूत नाम है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो टाइमिंग है इनका, इस टाइमिंग पे सवाल है बार बार की ये जो टाइमिंग, और अपने आप को महान बना रहे हैं, राष्ट्रभक्त बना रहे हैं, और भारत के संपूर्ण सम्मान का अपमान कर रहे हैं। आपका कहना है कि भारत रत्न जो सर्वोच्च सम्मान है उसका अपमान है। क्या नाम है आपका? अरुण राजपूत नाम है। क्या कहना चाहेंगे? ये जो टाइमिंग है इनका, इस टाइमिंग पे सवाल है बार बार की ये जो नेता थे हमारे, जो इनका सहयोग था देश में, बहुत अच्छा इन्होंने सहयोग दिया, बट इन लोगों की टाइमिंग का जो है, जो चुनाव के समय दे रहे हैं, इससे जो अगला संदेश जा रहा है, संदेश जा रहा है टाइमिंग का। बहुत उच्च थे ये लोग, इन्होंने किसान, जैसे चौधरी जी के बारे में आप कह रहे थे, किसान के लिए इन्होंने बहुत लड़ाई लड़ी, इमरजेंसी में भी जेल में रहे, बट ये टाइमिंग को लेके ही सबसे ज्यादा। आपका कहना है टाइमिंग गलत थी ये चुनावी पूरा? क्या नाम है? मनीष पांडे डोके। क्या कहना चाहेंगे? देखिए ऐसा, मोदी जी तो बहुत बड़े तमाशेबाज हैं। अभी हम थोड़ी देर पहले, मुश्किल से 3 घंटा पहले का न्यूज है हिंदुस्तान पर आया हुआ है कि उनके जो चंपत राय जी हैं वो कह रहे हैं कि रामलला को थकान हो जा रही है, क्योंकि अभी 14 घंटे जगना पड़ रहा, बच्चे हैं उनको थकान हो जा रही है, इसलिए अभी जो जा रहे हैं लोग दर्शनार्थी, इनको रोका जाएगा, मतलब दर्शन का समय कम करेंगे, दर्शन का समय कम करेंगे। हम आपको आपके एक इंटरव्यू में कह चुका हूँ कि इसको देखिए, चुनाव बाद बंद भी करेंगे निर्माण मंदिर का, ये कह करके पैसा नहीं है, ये करेंगे, कन्फ्यूज हैं ये, इनके पास ना तो कोई पॉलिसी मेकर है, केवल वही जो कचहरी पहले मजमा लगाते थे वही मजमा लगा रहे हैं। इनके पास इनपुट है, इनके इनपुट हेड्स बता रहे हैं इनको कि आपकी स्थिति खस्ता है, देश का हाल खस्ता हाल है, इसलिए भारत रत्न को तमाशा बनाया जाए। हर उस आदमी को ये देंगे भारत रत्न, देखिएगा मुलायम सिंह को भी देंगे, ये अभी पहले विवरण दिए थे, मायावती ने मांग की है काशीराम के लिए। हाँ वो तो भाई, वो तो मांग कर रही, मान ली अपने पार्टी के, उसको कर रही हो तो पार्टी के अपने उसको मांग रही है, ठीक है, लेकिन ये जो ये क्या कर रहे हैं, ये केवल ये देख रहे हैं कि कहाँ से पब्लिक हमको हमारी तरफ डाइवर्ट हो। हर वो रास्ता अपनाएंगे मोदी जी, हर वो रास्ता अपनाएंगे जिससे अब की बार 400 पार का नारा इनका सिद्ध हो, लेकिन भगवान ही मालिक है इनकी भी और इनके पार्टी का भी, क्योंकि कन्फ्यूज है एकदम से। ये जिस रास्ते पर लेके चले थे अटल अडवाणी, मुरली मनोहर जी, उस रास्ते से पार्टी बहुत दूर जा चुकी है। मोदी जी के अलावा कोई चेहरा नहीं दिखाई दे रहा, सबके सब गायब कर दिए गए हैं, सुनियो जी तरीके से गायब किए गए हैं, केवल मोदी जी, मोदी जी, मोदी जी, हमारी मोदी जी की सरकार, बीजेपी की सरकार नहीं है क्या? उसके कार्यकर्ता जो झंडा बहने ढो रहे हैं वो सब कार्यकर्ता नहीं है क्या? हम लोग खुद कार्यकर्ता, हाँ भाजपा का कार्यकर्ता वोटर, हम लोग सब लोग वोटर हैं, लेकिन कहीं दिखाई दे रहा? नौकर साहब को खुली छूट है भ्रष्टाचार की, बता दीजिए कहीं लगाम कसरा पा रहे हो? अब इनके पास कन्फ्यूजन है, इनके पास नौकर साहों से जो चला, देखिए नौकर साहब नकेल कौन कसता है? नेता कसते हैं। वर्तमान में क्या स्थिति है कि नेताओं को हम लोग चुन के भेज रहे हैं और नेताओं को छूट दे रहा कि जनता जितना रेल सकते हो रेलो, जीएसटी में रेल है, पुलिस वाला लेके सिपाही जगह जगह खड़ा, ये सारी चीज़ें इनके खिलाफ जा रही हैं। इसका नतीजा आने वाला इस वोट में, लोकसभा खतरे से खाली नहीं है इनकी, इनको अच्छे से पता है कि हम जितना गैस फैलाएं, इनके पास एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, माने कुछ चुनिंदा दुष्टों का जो गाली देने में सिद्धस्त हैं, पैसा लेके गाली वो दे रहे हैं। आप कुछ भी मोदी जी के खिलाफ बोलेंगे अभी नीचे तुरंत कमेंट, हम बोल रहे हैं ना, हम मोदी के खिलाफ नहीं बोल रहे, हम पॉलिसी नीतियों का विरोध कर रहे हैं कि आपकी नीतियाँ जो हैं
ये चुनावी स्टंट है ये सब, और इसके विरुद्ध बोल रहे हैं इनका सोशल मीडिया से वो भोंकना शुरू करेंगे, वो गरियाना शुरू करेंगे, विरोध शुरू हो जाएगा। इससे क्या हो रहा है, देश खोखला हो रहा है। एक ऐसा जनरेशन मोदी जी ने तैयार कर दिया इस देश में के अंदर कि जो लोगों को गाली दे सके। आज आप देखते हैं कब इनकी मर्यादाहीन बात कब करने लगे हैं, कब अनुचित शब्दों का प्रयोग करने लगे हैं, ये चीज़ें आप देख रहे होंगे। तो ये तो स्टंट है चुनावी, और कुछ कर नहीं पाए तो यही सब कर करके कुछ वोट आ जाए। भगवान राम जी का मंदिर बंद होने जा रहा है, चंपत राय का बयान है आज का कि भैया उसको भगवान को विश्राम करने दिया जाए। अरे सही बात तो है, उसी नीचे भी लिखा है हिंदुस्तान ने कि अभी मंदिर का बहुत हिस्सा बाकी है, अब पब्लिक आएगी कहाँ बन पाएगा। ये बात तो पहले भी साधु संन्यासी शंकराचार्य ने कहा, इसी बात को शंकराचार्य जी ने कहा कि भैया आप बनाएंगे तो पब्लिक का सुरक्षा का क्या होगा, लेकिन उस पर नहीं सुना गया। और जब वो लोग शिखर का अरे तो शंकराचार्य को गरियाने लगे। आप सोचिए कहाँ से कहाँ हम पहुँच गए, पतन हो गया हिंदुत्व का पतन हो गया। केवल मोदी जी की देन है, और हिंदुत्व का बता रहे हैं कहीं के नहीं रह जाएंगे हिंदू, जिस तरह से हिंदुओं को चलाया जा रहा है। मुट्ठी भर लोग गाली बक रहे हैं, पूरे समाज को गाली बक रहे हैं। अगर आज ऐसे फॉलोअर तैयार किए गए हैं तो माँ बाप को भी गाली दे सकते हैं अपने, ये संस्कार हमारा थोड़ी है। आप खड़े होकर के संसद में बोल रहे हैं कि नेहरू, अरे नेहरू के भाषण को उल्टा पुल्टा बताना ये आपको शोभा नहीं देता है। नेहरू जी ने इस देश के लिए क्या किया है, हम किसी पार्टी के पछिंदा नहीं है। न कांग्रेस हमारा खर्चा चला रही है, भाजपा चला रही है। हम सीधे सीधे इस देश के संभ्रांत नागरिक, हमारा टैक्स देने में हमारा योगदान है। अपनी कमाई का भारी भरकम हिस्सा हम टैक्स में देते हैं। इसी अधिकार से मैं कहता हूं कि मोदी जी गलतफहमी कम फैलाइए, स्वस्थ समाज को अगर बना सकते हैं तो बनाइए, नहीं तो आप जिस जगह ले जा रहे हैं आपका तो जो आपको पता है कि क्या कैरेक्टर रोल रहा होगा पीछे, उस देश पर हमारे देश के युवाओं को मत ले जाइए, यही प्रार्थना है। आपका कहना है कि सब चुनावी स्टंट है, क्या नाम है आपका? प्रदीप कुमार। क्या कहना चाहेंगे, जो भारत रत्न दिया गया तीन लोगों को, वो लोग उस लायक थे इसलिए दिया गया, उनका सहयोग रहा है भारत की तरक्की में, देना सही है। और राजनीतिक पार्टियाँ हैं तो उनको भी अपना देखना ही है, उसका लाभ उठाएंगे। आप लोगों का कहना है कि ये चुनावी वर्ष है, इस नाते तरह तरह के हथकंडे अपनाए जा रहे हैं, और ये यदि इस तरह से राजनीति को ध्यान में रख करके दिया जा रहा है तो इससे बड़ा अपराध और कुछ नहीं है। इस पर सत्ता को और शीर्ष नेतृत्व को सोचना चाहिए कि जो भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है उसको रेवड़ी की तरह न बांटा जाए। कैमरामैन मुन्ना के साथ डॉक्टर चंद्रकांत मिश्रा, TV9 गोरखपुर।